बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। होप सब खैरियत से होंगे और चांद के निकलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अभी ज़रूरत हलाल कमेटी जो है वो बैठ चुकी है, और जैसा कि आपको पता है कि सऊदीया में भी 30 रोज़े हुए, दुबई में भी 30 रोज़े, और कहीं पे भी ईद नहीं थी। और अब पाकिस्तान में भी जो है रुयत हलाल कमेटी का इजलास बैठ चुका है, और देखें अब क्या फ़ैसला होता है कि कल ईद उल फितर होती है या 30वां रोज़ा रखा जाता है। तो अगर ईद का चांद नज़र आ जाए व्यूअर्स, ये दुआ पढ़ना मत भूलिएगा। अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिलयुमनी वलीमानी वसलामती वलिस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाहु। ए अल्लाह, हम पर इस चांद को बरकत, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तलू फरमा। ऐह चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह ही अल्लाह है। तो व्यूअर्स, जो है नया चांद देखने की दुआ है, ये ज़रूर आप पढ़िएगा चांद देखने के बाद, और जो है देखें कि अब रुयत हलाल कमेटी क्या फ़ैसला करती है, ईद का चांद नज़र आता है या नहीं। कल ईद है या रोज़ा, इसका ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा, और देखें कि जो है मुफ्ती मुनीबुररहमान क्या डिसाइड करते हैं और मौसम के हालात क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर तो ईद उल फितर कल होती है तो ईद उल फितर एडवांस मुबारक।